सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी की खुलकर तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 37 साल बाद यूपी में भाजपा की वापसी इसलिए हुई क्योंकि पार्टी लगातार मेहनत करती है। साथ ही ये भी कहा कि दूसरी पार्टियों के नेता चुनाव के बाद सो जाते हैं। इतना ही नहीं, राजभर ने कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों की बदहाली के लिए निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस के नाम पर लोग वोट करते थे, टिकट मिल जाता था तो समझ लीजिए कि जीत हो गई। एक दौर ऐसा भी था कि यूपी में 19 साल तक सपा बसपा का शासन रहा, लेकिन आज 37 साल बाद भाजपा सरकार की वापसी हुई। इसके पीछे की वजह है कि भाजपा 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और पार्टी चुनाव के बाद झोला झपटा उठाकर घर को सो जाती है। सोने से नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो वहीं पिछले कई दिनों से ओपी राजभर कई बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को एसी कमरे की आदत हो गई है, वह एसी कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। पहले सपा पर हमला और अब भाजपा की तारीफ, इससे साफ पता चलता है कि ओपी राजभर एक बार फिर पाला बदलने का माहौल तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।